गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संतोषी रावत व्लॉग में। तो सभी को सबसे पहले राधे राधे। सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ वृद्धा आश्रम। तो वहाँ माताओं की कैसे सेवा होती है वो सब आपको दिखाऊंगी। और वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम इसमें आप सभी को माता के दर्शन कराने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा माता आपसे मिलके, और मैं स्पेशल हमेशा टीवी में देखती थी आप लोगों को, और आज मैंने सोचा अपनी माता से मिलके आती हूँ, क्योंकि अनुराधा जी कहते ना आइए हमारी माताओं से मिलिए, तो मैंने बोला चलो मिलके आते हैं। तो कैसा लगता है आपको यहाँ? बहुत बढ़िया, पास आओ के जी नहीं लगता, मुस्कुराओ के जी नहीं लगता। मुस्कुराए तब जी और ही मजा। थैंक यू सो मच माता, बहुत अच्छा माता। देखिए हम अनुराधाचारी जी के आश्रम आए थे मिलने के लिए, पर अनुराधाचारी जी जयपुर गए हुए हैं, तो अब हम यहाँ से माताओं से मिलने जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको माताओं से मिलाने, तो अब हम जा रहे हैं माताओं से मिलने। तो चलिए हम जितने हमें माताएं मिलेंगी सबसे आप लोगों को मिलाऊंगी। और एक माता मेरी भी चल रही है मेरे साथ, ये देखो मेरी माता। माता इधर आ जाओ, ये मेरी माता है, अपनी माता को लेके आई हूँ माताओं से मिलाने के लिए। और ये देखिए, ये आ गए हम गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम। राधे राधे माता जी। राधे राधे। ये माता जी को तो मैं हमेशा देखती हूँ। राधे राधे माता जी। हाँ, सब लोग माताओं से मिलने गए और आ भी गए, और अब हम जा रहे हैं माता से मिलने। राधे राधे माता जी। राधे राधे माता। राधे राधे माता जी। राधे राधे माता। राधे राधे माता जी। राधे राधे बेटा, राधे। कैसे हो? नहीं से नहीं 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 देखिए आप लोग। राधे राधे माता जी। हाँ, तभी तो ही लगा रखा राधे। अच्छा, राधे राधे माता। कैसे हैं आप माता जी? बहुत सुंदर। नाश्ता खाना खा रहे ना? चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। हमेशा टीवी में देखती थी मैं आप लोगों को, और आज मैंने आपको सामने से देखा, बहुत अच्छा लगा। जी के लिए खाना ले जा रही है माता जी अपने लिए, है ना? देखिए कितने सुंदर तरीके से माता जी को खाना दे रहे हैं। राधे राधे दीदी। राधे राधे माता जी। मैं बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। हमें खुशी हुई अपनी बेटियों से मिलके। हाँ, वही तो, आज हम माता जी से स्पेशल मिलने आए हैं। हमने सोचा माता जी से मिलके आए। हमको खुशी हुई हमारी बेटियां हमको मिली है। मैं तो माता से मिलके आती हूँ, क्योंकि माता को रोज टीवी में देखते थे, तो माता जी बड़ी खुशी हुई। माता जी सब ठीक हो जाएगा, सब देखो आप तो बहुत अच्छी जगह आ रहे हो, रो मत। माता जी को देखो हम मिलने आए, तो माता जी के देखो गला भर आया है, और माता जी नहीं रोना नहीं, माता बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और कोई बच्चे गया है? भोजन किया? हाँ, भोजन आप करेंगे माता जी प्रणाम। बेटी बेटियाँ चरण हमारे वहाँ छूती है माता, उत्तरांचल से, उत्तराखंड से। बहुत आराम है मेरी बेटी, बहुत आराम। हाँ, वही तो। राधे 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 माता जी प्रणाम। नहीं नहीं हमारे उत्तराखंड में तो छूते ना। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलने, स्पेशल मिलने आई, रोज टीवी में देखी थी आप लोगों को। बहुत अच्छी तरीके से माताओं को देखो, कितने सुंदर तरीके से, अपनी जैसे हम हमेशा देखते थे, पर आज हमने अपने आंखों से भी दर्शन कर लिए, तो सुंदर तरीके से। राधे राधे दीदी। राधे राधे। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। भगवान हाँ जी, मेरी माँ के लिए। अच्छा अच्छा, राधे राधे। चलिए आप लोगों ने देखिए देखिया कितना सुंदर तरीके से खाना बनाया। पूड़ी बनाई हुई है, आलू गोभी की सब्जी है, और ये है चावल, और यहाँ पे है दाल। अच्छा, छोले और जलेबी। आलू धरे जलेबी माताओं के लिए।
तो ये हमें तो घर पे भी नहीं मिलता, हमें ही नहीं मिलता, हम अपने लिए नहीं बना पाते हैं, है ना दीदी? हम अपने लिए बना पाते हैं इतना? हम कभी नहीं बना पाते हैं। और यहाँ आके तो हमारा दिल खुश हो गया, हम तो ऐसा लग रहा है कि हम इतने बड़े तीर्थ में आए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऑस्ट्रेलिया से आई हैं? हाँ बताइए मैम, ऑस्ट्रेलिया से आई है। अच्छा आप ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, तो मैम कुछ बताइए अपने। मेरे माँ का बर्थडे है। हाँ जी, का बर्थडे। अच्छा हैप्पी बर्थडे आपकी माता जी को। अच्छा ये दीदी अपनी माता जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में खाना बांट रही हैं, तो कुछ बोलेंगे आप कुछ बताएंगे माता जी के लिए? आप जितना सब है उनके आशीर्वाद। थैंक यू। हाँ जी चलिए, आपको भी आपकी माता जी हमेशा आशीर्वाद दे और आप बहुत कामयाब हो जाए आगे। चलिए भैया, ओके थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यार से हमें माताओं से मिलाया और तो हमें बहुत अच्छा लगा। चलिए राधे 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 राधे। अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर में भी माताएं रहती हैं, आगे मैं माताओं से मिल के। राधे 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 माता जी, आप जाओ हाँ मैं मिलती हूँ। सारी माताओं को संतोषी रावत का कोटि कोटि प्रणाम। माता क्योंकि आप उनको ही आशीर्वाद देती, हमें भी आशीर्वाद दीजिए आप हमें। दिल भरता है नहीं पास आओ तो। हाँ सही बात है, चलो मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया। बस एक इधर वाला नहीं। अच्छा बस बाहर से राधे राधे राधे। तो राधे राधे बेकार है, क्या करूँ किस्मत। कोई बात नहीं माता, एक तो भैया को वजन आ गया सब भैया। हाँ चलो बोल माता कुछ बोल रही हम नहीं, हम तो खिचड़ी बलवाई से तो खाई। अच्छा अच्छा खाते नहीं हम। अब तो दो तीन दिन से खाने लगी खिचड़ी। अच्छा बीमार थे माता, अब ठीक हो थोड़ा? ये ठीक है बुखार हो तो कोई नाम है। अच्छा अच्छा बिहारी जी के दर्शन करिए। हाँ बिहारी जी के दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन करे बिहारी जी, बिल्कुल सामने से दर्शन किए बिहारी जी के। बहुत भीड़ थी, सुबह सुबह चले गए थे। सुबह हम चले गए 6 बजे चले गए थे, पहले निधि बन गए, वहाँ भी आरती हो रही थी, वहाँ भी पूजा अच्छे से किया। उसके बाद हम सीधे बांके बिहारी गए, वहाँ भी हम एकदम बांके बिहारी को 5 मिनट का एक टक लगा के देखे थे बिहारी जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत हाँ सुबह सुबह जाना चाहिए। तो 6 बजे बना। हाँ 6 बजे चले गए थे उत्तरांचल से, अभी तो हम नोएडा से आए हैं। हाँ माता से मिले। हाँ रोज देखती थी मैं टीवी में आप लोगों को। सेक्टर पहले 22 में रहते थे और अब मैं चले गई नोएडा एक्सटेंशन। आप लोग वहीं के तो नहीं है? अच्छा तो देखिए दादी है, दादी की कौन रहती है? हमारे बेटी की बेटा। अच्छा बेटी के नाती रहते हैं इनके? एक बेटा पोता, इनके पोता रहते हैं सेक्टर 22 में। तो मैं तो नोएडा से आई हूँ और वहाँ पहले चलो आ रही है मैया, 12 बज चुके हैं, बुला कर जल्दी पहुँच। चलो मैया सब पहले आपको हम लेके आएंगे फिर आएंगे। हम गाड़ी पर आए हैं ना, बहुत अच्छा लगा। चलो माता जी आप जल्दी स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि अब आएंगे तो कभी बुलावा फिर मिलेंगे। चलो माता, तो चलिए वीडियो का एंड भी यहीं पे करते हैं। आप सभी लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारी माताओं का कितना ध्यान रखा जाता है। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हमेशा मैं टीवी पे देखती थी, बहुत मन था माताओं से मिलने का और अनुराधाचार्य जी के आश्रम को देखने का। तो वहाँ जाके तो मैं इतनी खुश हुई, बहुत खुश हो गई, सारी माताएं बहुत खुश थी, बहुत भजन कीर्तन कर रहे थे आनंद से और आपस में बहुत प्यार से रहते हैं माताएं, सारी माताएं, और सब से मिलकर मेरा दिल बहुत खुश हो गया। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, अपना ख्याल रखिए, बाय।